प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग के प्रभारी सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने सभी अधिकारी कर्मचारियों को मिशन मोड में काम करने के लिए निर्देशित किया है। यह बात सचिव ने एनएचएम सभागार में कही। इसके साथ ही उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों को दीपावली की शुभकामना बधाई दी। डॉक्टर कुमार ने कहा कि उत्तराखंड स्वास्थ्य के क्षेत्र में अच्छा कार्य कर रहा है। स्वास्थ्य संबंधित क्षेत्रों से जुड़े कई सूचकों में प्रदेश का प्रदर्शन उत्कृष्ट रहा है, जिसमें रक्तदान शिविरों का आयोजन और देश में टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत गतिमान निःक्षय मित्र गतिविधि में उत्तराखंड का देश में द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ है। उन्होंने आगे कहा कि टेलीमेडिसिन के माध्यम से घर बैठे लोगों को स्वास्थ्य संबंधित जानकारी दी जा रही है। नियमित टीकाकरण में राज्य में 20% की बढ़ोतरी हुई है। वहीं 1400 वेलनेस सेंटर के माध्यम से लगभग 6 लाख लोगों ने स्वास्थ्य लाभ लिया है। सूबे में 18 डायलिसिस सेंटर के माध्यम से आमजन को डायलिसिस की सुविधा दी जा रही है। आगे उन्होंने टेलीमेडिसिन, 104 की सेवा, वैक्सीनेशन, टीबी उन्मूलन, अन्य कई कार्यक्रमों से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रोत्साहित किया है। देहरादून से अवनीश जैन की रिपोर्ट।